हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का लक्ष्य द गोल अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दोस्तों, ये जो दिन है आज माँ सरस्वती का दिन है और हम लोग इस अवसर पे जो है माँ सरस्वती से ये विनम्र निवेदन करेंगे कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हैं, जिनका जो भी उद्देश्य है किसी को एग्ज़ाम के लेकर के या जो भी हो, ठीक है, तो उन सभी का जो है इस बार मनोकामना पूर्ण हो। मनोकामना पूर्ण का इन द सेंस यानी जिस एग्ज़ाम में बैठे उस एग्ज़ाम में उनको जो है सफलता मिले, ऐसा हमारा जो है माँ सरस्वती से जो है विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को जो है सफलता मिले, जो भी उनका उद्देश्य रहा, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग जो है जैसा कि डिटरमिनेंट्स जो है चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें से हम लोग जो है बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की, ठीक है। तो देखिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी क्वेश्चन में। जैसे सपोज कर कोई डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन आता है, यदि आपको प्रॉपर्टीज उसको जितनी भी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं यदि आपके माइंड में हैं तो क्वेश्चन जो है बड़ी ईजिली हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे भी अभी, जब प्रॉपर्टी जैसे हमारा फिनिश होता है हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप खुद रियलाइज करोगे हाँ कितना इम्पोर्टेंट जो है ये प्रॉपर्टी का होना होता है, ठीक है। चलिए वन बाय डिस्कस करते हैं। कल हमने लगभग दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था, तो कुछ लोग आज जुड़े हुए हैं तो उनके लिए है एक बार हम चीज़ों को रिपीट कर देना है ताकि उनको जो है दिक्कत, ठीक है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। बोर्ड पर सारे प्रॉपर्टी हमने लिख दिया है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहला प्रॉपर्टी हमने लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेंस अनचेंज्ड इफ इट्स रो आर कॉलम इंटरचेंज, इफ इट्स रो और कॉलम आर इंटरचेंज। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सपोज करो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, कोई डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं सपोज कर a1, a2, a3, आई होप आप देख पा रहे होंगे, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ठीक है। यदि हम इसको जो है रो को कॉलम में कर दें और कॉलम को रो में कर दें तो जो हमारा नई डिटरमिनेंट्स मिलेगा उन दोनों का जो है डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू होगी ऑलवेज सेम, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसका ट्रांसपोज ले, ठीक है, जो दूसरा मैट्रिक्स हमारा जो है जो हमारा दूसरा डिटरमिनेंट्स बनेगा, डिटरमिनेंट्स के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, ठीक है, दो वर्टिकल लाइन, जो हमारा दूसरा डिटरमिनेंट्स बने इस रो को कॉलम में करिए, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 तो इसको सॉल्व करेंगे और इस डिटरमिनेंट सपोज करो उसको हम जब इंटरचेंज किए तो उसका दूसरा नाम दे दें Δ1 कर दे, ठीक है। तो जो वैल्यू डेल्टा की होगी वही आपके Δ1 का होगा, यही प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है। यानी डिटरमिनेंट्स में जो है होता क्या है, यदि रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, कॉलम को रो में चेंज कर दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज क्लियर, पहला प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी यह कहता है इफ एनी टू रो आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। इसका मतलब क्या है, यानी कोई इसी को हम ले रहे हैं, सपोज करो कोई डिटरमिनेंट सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, सपोज करिए हमारा डिटरमिनेंट ये है लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि उसके दो रो या दो कॉलम को क्या कर दे इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसके वैल्यू में तो फर्क नहीं है लेकिन साइन डिटरमिनेंट्स का बदल जाएगा। मतलब समझिए, डिटरमिनेंट्स हमने कोई ले लिया सपोज करो दिस डेल्टा लिया, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं इसके कुछ जो है रो को जो है चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं दो रो या दो कॉलम को, ठीक है। हम रो को कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, जो R2 है इसको मैंने फिक्स किया, R2 को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जो आपका R3 है R3 को R1 के प्लेस पे लिख रहे हैं, इट मीन C1 यहाँ हो जाएगा, C2 यहाँ, C3 यहाँ, और यहाँ पे आपका जो है R3 के प्लेस पर R1 यानी A1 A2 A3, ये जो नया डिटरमिनेंट मिला उसको हम Δ1 नाम दिया। इन दोनों में फर्क क्या आएगा, इन दोनों में सिर्फ फर्क इतना आएगा Δ1 -Δ2, यानी उसके जो है मैग्नीट्यूड में फर्क तो नहीं आएगा लेकिन उसके साइन में डिटरमिनेंट में जो है बदलाव आएगा। क्या आएगा बदलाव, जो है केवल नेगेटिव साइन आएगा, क्या जाएगा नेगेटिव साइन पास में। ये दूसरा हमारा प्रॉपर्टी कहता है डिटरमिनेंट का, यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में फर्क नहीं आएगा लेकिन उसके साइन में फर्क आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन, ठीक है। आई होप आपको जो है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया हो। चलिए इसको आप नोट भी करते चले, इंपॉर्टेंट है, रिमूव कर देना है प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड।
थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है, इफ एनी टू रो आर कॉलम आर डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल। यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम, किसी डिटरमिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो देन वैल्यू आर डिटरमिनेंट्स इज जीरो। इसका मतलब क्या होगा, उस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज थर्ड का एग्जाम्पल, थर्ड की बात कर रहे हैं, कोई डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, यहाँ पे हम फिर सेम कर रहे हैं, यानी आर वन और आर थ्री को सेम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू होगी जो है ऑलवेज इक्वल, ठीक है, यानी इस प्रॉपर्टी नंबर थ्री से कोई भी डिटरमिनेंट्स है उसके दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो हमेशा उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसको आप खुद चेक कर लीजिएगा, चेक करिएगा, मैं एक डिटरमिनेंट्स दे दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, दो रो कॉलम सेम कर दे रहे हैं, टू थ्री फोर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर वन जो है और आर टू दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों सेम है तो इसकी जो वैल्यू आएगी जीरो आएगी। ठीक है, या दो कॉलम ही सेम हो सकते हैं, सपोज कोई दूसरा डिटरमिनेंट्स दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो है टू थ्री फोर, टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट, ये डिटरमिनेंट्स है, इसको यहाँ पे देख रहे दोनों कॉलम आइडेंटिकल यानी सेम है, ये सी वन और सी टू, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, जीरो। सॉल्व करने का वही तरीका, इस डिटरमिनेंट को चाहे आर वन के अलग स्पेंड करें, चाहे आर टू के अलग स्पेंड करें, चाहे आर थ्री या सी वन सी टू के अलग किसी के अलग स्पेंड करेंगे, ऑलवेज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो। दैट इज क्लियर। ये रहा जो है प्रॉपर्टी नंबर थ्री का मतलब। अब प्रॉपर्टी नंबर फोर देखिए क्या लिखा है, इस बात को समझ लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर फोर का, इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर कॉलमिक, लीजिए जल्दी से नोट कर लें, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। प्रॉपर्टी नंबर आपका फोर, चलिए देखिए नोट करना जल्दी से इसको। चलिए कह रहा है, इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर कॉलम आर डिटरमिनेंट्स आर स्पेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, देन डिटरमिनेंट्स कैन बी स्पेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है, सिंपली इसका एक एग्जांपल थ्रू लेते हैं तो चीजों आपको जल्दी समझ में आएगी। जैसे कोई हम डिटरमिनेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं ए वन प्लस लैम्डा वन, ए टू प्लस लैम्डा टू, ए थ्री प्लस लैम्डा थ्री। ठीक है, दूसरा रो का एलिमेंट्स है बी वन बी टू बी थ्री, तीसरा रो है आपका सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। कैसे, इस एलिमेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे ए वन ए टू ए थ्री, यानी यहाँ पे देखिए ए वन प्लस लैम्डा वन है ना, ए टू प्लस लैम्डा टू है, यहाँ पे ए थ्री प्लस लैम्डा थ्री, ए वन लैम्डा वन को हम हटा रहे हैं, बी सम ऑफ प्लस में करके लिख लेंगे इसको, और इसको बी वन बी टू एस सच रहने दे रहे हैं। ठीक है, और ये सी वन सी टू सी थ्री, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, अब जो छूटा हुआ एलिमेंट्स है उसको लिखेंगे, क्या था लैम्डा वन, और इसको भी लिखेंगे साथ में। ठीक है, बी वन और यहाँ पे सी वन, दिस इज योर लैम्डा टू एंड दिस इज योर लैम्डा थ्री, बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री। ठीक है, यानी इस डिटरमिनेंट्स को देखिए हम सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट्स है ना, ए वन प्लस लैम्डा वन था, ए टू प्लस लैम्डा टू था, यहाँ पे ए थ्री प्लस लैम्डा थ्री, हमने किया क्या, इस ए वन पूरा लिख लिया, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए डिटरमिनेंट्स है प्लस, फिर लैम्डा को साथ में लेके लिखा है, लैम्डा लैम्डा टू लैम्डा थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, बी सी वन सी टू सी थ्री, तो रहेगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर का मतलब ये। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर फाइव पे आते हैं, इसको भी नोट कर लें। प्रॉपर्टी नंबर फाइव देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के। देखिए आपको याद होगा जो मैट्रिक्स हमने पढ़ाया था, कोई भी स्केलर नंबर से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे तो आपको याद होगा उस मैट्रिक्स में जितने भी रो में एलिमेंट थे या जितने भी कॉलम में एलिमेंट थे उन सभी में मल्टीप्लाई हो जाता था, याद है ना। लेकिन यहाँ पे एक खास बात यह है, डिटरमिनेंट्स में जो है ऐसा नहीं होता, डिटरमिनेंट्स में या तो किसी रो में मल्टीप्लाई करेंगे
या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर, ऐसा नहीं कि उसके सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं करते, बट मैट्रिक्स में हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है, सपोज करो कोई डिटरमिनेंट है आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट से, मान लो k लैम्डा लिख दिया यहाँ पे, या किसी रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी कॉलम, यहाँ पे आ जाए k a1 k b1 k c1। ठीक है, और ये आपका a2 b2 और c2 आपका वही रहेगा, यहाँ पे c2 है, दिस इज योर a3, दिस इज योर b3, दिस इज योर c3। ठीक है, तो यानी कहने मतलब ये किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिटरमिनेंट्स के अंदर, या तो किसी रो में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं, देखिए के को जरूरी नहीं हम r1 में करें, r2 में भी आप कर सकते हो, r3 में भी आप कर सकते हो, c1 में भी आप कर सकते हो, c2 में भी आप कर सकते हो, c3 में भी कर सकते हो, लेकिन करना किसी एक रो या किसी कॉलम में ही है, ऐसा नहीं कि आप सारे। लेकिन आपको याद होगा जैसे हमने लिखा था कोई मैट्रिक्स था आपका, याद होगा सपोज करो ये मैट्रिक्स हमने लिखा था, तो उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ठीक है, यदि इसको हमें 3a निकाले तो हम लोग क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3 3 × 3 और 4 × 3 5 × 3 ये करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट्स में क्या करें, किसी रो में मल्टीप्लाई करें या किसी कॉलम, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस बात को आप माइंड में जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये रहा जो है आपके लगभग इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टी की, इसको आप माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो है हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो देखेंगे आपकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कितना जल्दी हमारा इजीली क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। हम बोल रहे हैं इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स ऑफ द वैल्यू, इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स ऑफ द वैल्यू, रो में लिखिए ए बी सी एंड सेकेंड रो में लिखिए, क्वेश्चन आपका है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसको रिमूव कर दे, आई होप लिख लिए होंगे आप। साथ साथ देखिए मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, आप खुद पेन उठा के तभी आप बैठा करिए वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, बिना पेन लेके मैथमेटिक्स को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए चीजों को थोड़ा सा जो है आप सीरियस रहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास वीडियो जा रहा है आपने देखा ऑलरेडी और उसको छोड़ दिया, खुद से आप नोट्स बनाए पेन पेपर लेके ही आप बैठा। चलिए लिखिए क्वेश्चन, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, एक्स वाई जेड इज, या फाइंड द वैल्यू आप लिख दीजिए, इज ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज a, ऑप्शन डी इज b, ये ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास डिटरमिनेंट से ए बी सी, सेकेंड रो में है ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, थर्ड रो में है एक्स वाई जेड, इस वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखिए यहाँ पे भी जो सेकेंड रो है यहाँ पे सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, देखिए ए प्लस 2x है, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताया था सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स वाला। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं, किस डिटरमिनेंट्स को हम लिख क्या सकते हैं, जरा बताइए, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी को रहने देते हैं, अब यहाँ पे सम ऑफ टू एलिमेंट्स इसका एक यूनिट लेंगे, यानी ए और बी सी और यहाँ पे एक्स वाई जेड तो रहेगा, याद आ रहा है जो प्रॉपर्टी अभी हमने लिखा, प्लस करी, प्लस हम करेंगे तो आपका जो इसके साथ तो कोई एलिमेंट्स अटैच है नहीं, इसको वही लिखेंगे ए बी सी, और यहाँ पे हमने ए को लिख लिया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x 2y 2z। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, याद आ रहा है ना प्रॉपर्टी अभी जो हमने किया है, दिस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसको हम इस डिटरमिनेंट्स को सम ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स हम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर जो अभी आपने किया है। ठीक है, अब देखिए देखिए हमारा उद्देश्य ये होता है कि क्वेश्चन को जो है, जो डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, तो उसके रो या कॉलम को जो है हम जीरो करने की कोशिश करें, ताकि होता क्या है जैसे ही जीरो होता है तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना थोड़ा आसान काम हो जाता है। ठीक है, और या तो हम लोग ये कोशिश करते हैं उस डिटरमिनेंट में कोई दो रो सेम आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कोई भी दो रो या कोई भी दो जो है कॉलम सेम होते हैं किसी डिटरमिनेंट में, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है,
जीरो होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आर वन है उसमें भी ए बी सी है, जो आर टू भी है उसमें भी ए बी सी है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो ऑलवेज जीरो होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो दो रो है उस दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, यानी सेम है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यानी जो इसका सेकंड डिटरमिनेंट में देखते हैं। इसमें भी हम लोग कुछ ऐसा अरेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो सकता है। यदि हम सपोज करो यहाँ पे हम टू कॉमन ले लेते हैं, है ना, देखिए मल्टीप्लाई करें या कॉमन ले, दोनों एक ही बात है। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिटरमिनेंट में तो किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉमन भी लेते हैं तो हम किसी रो या कॉलम में ही कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आर टू में कॉमन ले रहे हैं टू, तो सिर्फ हम आर टू मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हम सारे मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो टू को हम कॉमन लेते हैं, बाहर करते हैं, यानी ए बी सी तो आपको वही रहेगा, सिर्फ हम आर टू से ले रहे हैं टू को कॉमन, कॉमन में से जो है डिवीजन, यानी एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला आपको वही आएगा, थोड़ा सा सिस्टम को ध्यान दीजिएगा, बात को पकड़िएगा। हमने बताया कॉलम यानी मल्टीप्लाई करें चाहे कॉमन ले किसी डिटरमिनेंट में, तो किसी रो में से कॉमन आएगा बाहर आएगा, किसी कॉलम से बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि सभी जो है आपके अंदर खुद ही भी हैबिट हुए हम लोग कॉमन लेते थे, कॉमन का मतलब डिवीजन पता चला सभी एलिमेंट से कॉमन ले, लेकिन हाँ मैट्रिक्स में करेंगी तो बिल्कुल सभी एलिमेंट से कॉमन होगा, बट डिटरमिनेंट वैसा नहीं है, डिटरमिनेंट किसी रो या किसी कॉलम से ही वो कॉमन होता है। ठीक है, हमने टू को कॉमन लिया किससे, सेकेंड रो से, आपको मिल जाएगा एक्स वाई जेड। देखिए अब यहाँ पे फिर लगाइए दिमाग, आप देखेंगे आर टू और आर थ्री दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी टू इंटू जीरो, यानी देन यू विल गेट द जीरो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ठीक है, एक छोटा सा एक ट्रिक तो नहीं कहेंगे, जब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आए एग्जाम में, हालांकि हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे, इन केस जब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आए, जब नेगेटिव मार्क्स है तब चांस मत लीजिए, जब नेगेटिव मार्क्स है चांस मत लीजिए, मैं टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा, जी आई सी में ऐसा मत करिएगा। जब डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आए नहीं आप कर पा रहे हो, आसम ने जीरो दिया है, जीरो दिया, ज्यादातर 85 का 90% जिसमें कोई वैल्यू आती है जीरो वन टू थ्री, ज्यादातर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है जीरो आती है। ठीक है, जब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ध्यान सुनिएगा, पता चला कहीं पे मिला आप टिक कर दो, ऐसा नहीं है, ज्यादातर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है जीरो आ जाती है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा जब कोई जो ऑप्शन ना मिले तो उस केस में, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका, नोट करो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस देखिए इस प्रॉपर्टी की वजह से कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया है ना, इसीलिए प्रॉपर्टी बड़े काम की है, प्रॉपर्टी आपके माइंड सेट है तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप उसका यूज करते हुए जो है इजीली किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल लें, और हमेशा दो से तीन क्वेश्चन जो है आपको डिटरमिनेंट चैप्टर से जो है जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो कुछ जो है डेफिनेशन रहते हैं इस प्रॉपर्टी वगैरह, और कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका है ए ए प्लस बी, ए ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, एंड सेकेंड रो में है आपका टू ए थ्री ए प्लस टू बी, टू ए थ्री ए प्लस टू बी, एंड नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 4a plus 3b plus 2c, 4a plus 3b plus 2c, ठीक है, क्या है 4a plus 3b plus 2c, और थर्ड रो में है आपका 3a, और इसके बाद आपका है 6a plus 3b, 6a plus 3b, नेक्स्ट एलिमेंट्स आपका है 10a plus 6b plus 3c, 10a plus 6b plus 3c, इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को जरा देख लें, ए फर्स्ट रो में है ए ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड रो में है आपका टू ए थ्री ए प्लस टू बी एंड फोर ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, थर्ड रो में है आपका थ्री ए सिक्स ए प्लस थ्री बी एंड है टेन ए प्लस सिक्स बी प्लस थ्री सी, ये है डिटरमिनेंट। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना, फिर वही काम हमने बताया कि कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो आप ध्यान दे देखें उस डिटरमिनेंट की किसी दो रो या कोई कॉलम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, जीरो करने की कोशिश करते हैं,
जीरो करने के लिए हम लोग जो एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात किए थे, जैसे कि हमने बताया था कोई डिटरमिनेंट से उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी तीन लगभग छह ऑपरेशन हमने बताए थे, तीन रो के बताए थे और तीन हमने जो है कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको बताया था। तो उसी के हेल्प से जो है हम इस डिटरमिनेंट्स को क्या करेंगे, ज्यादातर जो है इसको रो या कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जीरो करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सोचते कैसे है, अब यहाँ पे टू है, क्या है टू है, यदि हम यहाँ पे ये ऑपरेशन अप्लाई करें R2 में अप्लाई करें, क्या करें R2 माइनस 2R1 करें, क्या करें R2 में से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें R1 में, ये आपका क्या है R1 है, ये आपका क्या है R2 है, ये आपका क्या है R3 है। हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, R2 में हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं R2 में हम R1 से R1 में जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और R2 से सब्ट्रैक्ट करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसमें 2 में से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो कर देगा, है ना। हमारा उद्देश्य हमने बताया डिटरमिनेंट्स में ज्यादातर एलिमेंट्स को हम जो है जीरो करने की कोशिश करें, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे भाई ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ और कोई जीरो मिल गया, इस एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये गया ही, ये सिंपल बचेगा, दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए जीरो करते। चलिए और देख लीजिए एक काम, दोनों एलिमेंट जो है आपने एक बार और साथ साथ ले, मैं थोड़ा सा लंबा होगा, अब इसको भी यही काम करते, इसको भी यदि हमें जीरो करना होगा तो हम आर वन में क्या करेंगे, आर वन में जो है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने, यानी एक ऑपरेशन और हम यूज कर रहे हैं R3 में, R3 माइनस 3R1, ठीक है, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को इस डिटरमिनेंट से हम अप्लाई करें। चलिए तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा से लिखेंगे क्योंकि हम इस पर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए सेकेंड में क्या करते हैं, सेकेंड में R2 माइनस 2R1, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, R2 माइनस क्या है 2R1, R2 में से क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा R2 आपका क्या है 2A है, फिर 3A प्लस 2B है और 4A प्लस 3B प्लस 2C, अब R1 में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 2A और यहाँ पे आएगा 2A प्लस 2B और यहाँ पे आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए करेंगे क्या है जीरो आएगा, ठीक है, 3A से यहाँ पे जीरो आ गया, 3A से 2A सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा A आएगा, 2B से करेंगे तो आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से 4A से 2A करेंगे तो आएगा 2A, फिर आपका 3B में से 2B करेंगे तो आएगा प्लस B और C आपको हो जाएगा जीरो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, आर थ्री में से क्या कर रहे हैं, आर थ्री यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से और इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, यानी ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए अब आर थ्री क्या है आपका, आर थ्री जो है 3A है, 3A से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, तो यानी 6A है, देखिए आप लिख लीजिए चाहे तो एक बार, 6A प्लस 3B है और यहाँ पे है 10A प्लस 6B प्लस 3C, ठीक है, और R1 में क्या है 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3A होगा, यहाँ पे क्या होगा 3A प्लस 3B होगा, यहाँ पे क्या होगा 3A प्लस 3B प्लस 3C, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए, क्या आएगा जीरो आ जाएगा, यानी जीरो आया, फिर R3 में से इसको सब्ट्रैक्ट यानी 6A में से 3A गया, कितना हुआ भाई 3A हुआ, 3B से जो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना आएगा 7A आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 6B में से यानी 3B आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा भाई 3C, 3C जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लीजिए बात समझ में आ रही कि नहीं, हमने दोनों एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करने के बाद जो हमें डिटरमिनेंट मिला आपके सामने है। अब आप देखेंगे तो R2 और R3 का जो पहला एलिमेंट से क्या आ गया जीरो आ गया, ठीक है, क्या आ गया जीरो आ गया, और देखिए और इसको कुछ छोटा किया जा सकता है कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके, कोशिश हमारा यही होती है तो हम लोग क्या करते हैं उस डिटरमिनेंट में ज्यादातर जो है जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा करने से क्या हो जाता है हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। अब एक काम और देखा जाए जो है इसको भी जीरो बनाया जा सकता है, कैसे जरा सोचिए, इसको जीरो बनाने के लिए इस एलिमेंट्स को बनाने के लिए क्या करें, यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें R2 में फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा बात बन जाए भी जीरो हो जाएगा, तो कर लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई करेंगे R3 में अप्लाई कर रहे हैं, इसको रिमूव कर दे रहे हैं ये वाला, ये तो हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझाने के लिए है, अब इतना आपको आइडिया है, देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, जिसको आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आ रहा उनको भी बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, बस अच्छे चीजों को ध्यान दे हो क्या रहा है, बातों पे ध्यान देंगे हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत उनको आ रही है, ठीक है। हम अगला ऑपरेशन अप्लाई करें R3 में, क्या अप्लाई करें R3 माइनस किससे करेंगे 3 करना पड़ेगा ना, यानी यहाँ पे जो है R3 माइनस 3R2 करें, क्या अप्लाई कर रहे हैं R3 माइनस 3R2 कर रहे हैं, ठीक है,
चलिए यहाँ पे क्या आएगा, फिर अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ करेंगे नहीं, आर वन आर टू आपका ऐसा चाहेगा, यानी ए दिख रहा है ना भाई, चलो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अप्लाई सिर्फ आर थ्री पे कर रहे हैं, तो सी को करेंगे, ठीक है। टू ए प्लस बी और यहाँ पे आ गया जीरो। अब चलिए क्या कर रहे हैं जरा देखिए, आर थ्री में से जो है थ्री आर टू, ये तो जीरो कोई बात ही नहीं, इसमें हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसके साथ जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री ए माइनस थ्री कितना हो जाएगा जीरो, और इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर ए प्लस नहीं सिक्स कर रहे हैं, यानी आ जाएगा सिक्स ए प्लस थ्री बी आ जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना आर सी में से, दिस माइनस दिस करेंगे तो सेवन में से सिक्स गए कितना भैया, यानी ए आया, और थ्री बी से जो है जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्या मिला, जीरो जीरो ए मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है एक्सपेंड करेंगे, देखिए अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका ये भी है, रो आर वन के लांग भी एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, और सी वन के लांग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन देखिए फायदा क्या होगा, जब हम इस डिटरमिनेंट को सी वन के लांग एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ हमें इसी एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा, सारे दूसरे तो जीरो जीरो है ना भाई, इसको आप लिखोगे क्या, ए सी वन के लांग एक्सपेंड करेंगे, हमने जैसा कि बताया था कोई भी डिटरमिनेंट है चाहे उसको आर वन के लांग एक्सपेंड करिए चाहे आर टू चाहे सी वन सी टू, हमेशा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो हमारा फायदा क्या होगा, क्योंकि सेकेंड रो का पहला एलिमेंट से दोनों जीरो है, हमें सिर्फ जो है इसी एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तुरंत वैल्यू मिल जाएगी, जब हम इसको निकालेंगे आर वन की करस्पॉन्डिंग इसको स्पेंड करेंगे ये भी लेना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन लंबा हो, लेकिन जैसे ही सी वन के लांग करते हैं तो एक लाइन का क्वेश्चन होगा आपका, है ना। चलिए जब इसके एलिमेंट्स यानी ए वन वन लेते हैं तो ये गायब हुआ, यानी जहाँ जिस रो जिस कॉलम में रहा नहीं लेंगे उसको, बच क्या रहा है आपका ए टू ए प्लस बी और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे ए, ठीक है। फिर वही क्रम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी यहाँ पे ए जीरो हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर यानी कितना हुआ ए क्यूब, ठीक है। इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिया, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना हुआ क्या ए क्यूब, इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना वाला डिटरमिनेंट था ये तो हम आपको समझाने में टाइम लग गया, अदरवाइज दो लाइन का था, ठीक है। ये सब जो है आप प्रैक्टिस थोड़ा सा करिए डिटरमिनेंट्स में, सिंपल है चीज़ें, टॉपिक आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, जल्दी से नोट करना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पीजीटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा सा चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे है आपका जेड एक्स वाई वन वन वन, एंड ऑप्शन ए इज जीरो, ऑप्शन बी इज वन, ऑप्शन सी इज टू, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, सेकेंड रो में है जेड एक्स वाई और थर्ड रो में है वन वन वन, ठीक है। इसकी जो है हमें वैल्यू निकालना है, अब जरा इसको सोचो इसको कैसे किया जाए, अब यहाँ पे देखिए दिमाग वही लगाना है, या तो कोई डिटरमिनेंट वाला, दो बातें आपको ध्यान रखना है, पहला उसके रो या कॉलम को हम ज्यादातर जो है इसके एलिमेंट्स को जीरो रखें बनाएं किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, या एक काम ये करें कि भाई जो है उस जो डिटरमिनेंट्स हैं उसको या रो या कॉलम के एलिमेंट्स को जो है हम आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करें। आइडेंटिकल क्यों, देखिए यहाँ पे एक चीज हमें दिख रहा है, देख क्या रहा वन वन वन, यानी जो थर्ड रो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जो है वन वन आ रहा है, लेकिन हम यही काम किसी अदर चाहे आर टू हो यदि आर वन वहां पे वन वन बना ले जाते हैं तो हमारा बिल्कुल जो है एक मिनट का क्वेश्चन होगा, एक सेकंड का यू, है ना, क्यों, क्योंकि भाई दोनों रो जो है आइडेंटिकल हो जाएं, जैसे ही आइडेंटिकल हुआ, जैसे ही रो है हमारा जो है डिटरमिनेंट्स का दो रो जो है आइडेंटिकल हुआ, वैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना।
देखिए इसी तरीके से हम लोग सोचते हैं क्वेश्चन को, ठीक है भाई। आपको हर बार होता है क्या, थोड़ा सा एक बड़ा कंफ्यूजन आता है कि आखिर में सर को कैसे पता कि क्वेश्चन ऐसे होगा, तो चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है और आपको भी चीजें फील होने लगती है ना क्वेश्चन में। जैसे आपने इसको देखा यहाँ पे जो आरसी है 111 आ रहा है, तब एक माइंड में क्लिक कर गया है कि 111 यहाँ पे आ रहा है, कहीं ये चीज और किसी दूसरे रो में भी आ जाए तो बात बन जाएगी आइडेंटिकल। हुआ आइडेंटिकल होने के बाद आपको मालूम है उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। चलिए तो कुछ एलिमेंट्री हम ऑपरेशन यूज करना चाहेंगे। सपोज यहाँ पे देखिए एक्स वाई है और यहाँ पे वाई जेड है और यहाँ पे जेड एक्स है। यदि हम आर वन को जो है आर टू के साथ जोड़ दें, यानी देखिए हम ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, आर वन अप्लाई कर रहे हैं आर वन प्लस आर टू, ठीक है। देखिए यहाँ आर वन का मतलब हम रो में ऑपरेशन जो है अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, दोनों रो को हम जोड़ रहे हैं। अब आर टू और आर थ्री को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये आपका आर वन है, ये आपका जो है आर टू है, ये आपका जो है आर थ्री। अब हम आर टू और आर थ्री को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम एज सच लिख लेंगे। लिखिए क्या कर रहे हैं, आर वन में अप्लाई करें क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, वाई प्लस जेड प्लस एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जेड प्लस एक्स प्लस वाई है, ठीक है। यह हालांकि एक्स प्लस वाई जेड दोनों चीजें सेम ही है। अब इसको जो आर टू आर थ्री आप एज सच लिखिए, जेड एक्स वाई वन वन वन, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई जेड, हम यहाँ से कामन ले लेते हैं। हमने अभी बताया कामन करिए मल्टीप्लाई करिए तो जो डिटरमिनेंट है उसकी या किसी रो से बाहर आएगा या किसी कॉलम से। यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस जेड क्या ले रहे हैं, कामन है, ले लिया है कामन, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कामन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी वन कामन का मतलब डिवीजन, यहाँ वन मिलेगा, यहाँ पे भी वन मिलेगा, यहाँ पे भी वन, ये आपका जेड रहेगा, एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, ये आपका वन वन वन। देखिए ना यहाँ पर जो आर वन है उसमें भी वन वन आ गया और आर थ्री में भी क्या आ गया, वन वन आ गया, यानी इस डिटरमिनेंट्स के दो रो क्या है, आइडेंटिकल होंगी, दोनों रो क्या हो गए, आइडेंटिकल होंगे। जब आइडेंटिकल होगी इट मीन्स डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अभी हमने बताया कोई भी डिटरमिनेंट्स है उसके दो रो या दो कॉलम जो है आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, उसकी जो वैल्यू आती है क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। बात समझ में आई, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर जो है आई होप फोर था, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, ऑप्शन जीरो इज करेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में एक दो बार, तो इसको थोड़ा सही से देखिएगा, नोट करें जल्दी इस क्वेश्चन को। कर लिया, चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, क्या है इस क्वेश्चन, जरा देखिए वन फर्स्ट का है ए बी सी और नेक्स्ट आपका जो है कॉलम सी सी थ्री में है आपका बी सी, बी सी और यहाँ पे है आपका सी ए और यहाँ पे है ए बी, ये जो है आपका डिटरमिनेंट है। वन 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 फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में ए बी सी, थर्ड कॉलम में है बी सी सी ए और ए बी। अब इसका जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा वही काम कि हमने क्या कहा भाई, कोई भी डिटरमिनेंट है उसके रो या कॉलम के एलिमेंट्स जो है उसको क्या करने, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए अब यहाँ पे वन वन है तो हम इसको जो है वन को रहने देंगे, आर टू वाला जो एलिमेंट्स है इसको जीरो, इसको जो है जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये दोनों जीरो हो जाएंगे फिर इसके करस्पॉन्डिंग हम जो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, आर टू पर अप्लाई करेंगे, क्या कर रहे हैं, आर टू में जो है आर वन टू में से आर वन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
दोनों साथ साथ कर आर थ्री को भी, इसको भी हम जीरो बनाना चाहेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे आर वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आर थ्री माइनस आर वन, ये हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर। चलिए तो अब हम जब देखेंगे यहाँ पे, तो जो आपका आर वन है आपका वही रहेगा, हमने आर वन पे कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका जो एलिमेंट आर वन है वो सेम रहेगा, ए वन ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड में, सेकेंड में आएगा आर टू माइनस आर वन, दिस माइनस दिस यानी जीरो, और जो है बी माइनस ए, और यहाँ पे आएगा जो है सी ए, सी ए माइनस बी सी, ठीक है भाई। आर थ्री में क्या कर रहे हैं, आर थ्री में से जो है आर वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आर थ्री में से आर वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जीरो आएगा, यहाँ पे आएगा सी माइनस ए आएगा, यहाँ पे आएगा ए बी माइनस बी सी आएगा, क्या आएगा ए बी माइनस बी सी आएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसको जो है नेक्स्ट यहाँ पे वही रहने दो, वन ए बी सी और आपका जीरो, यहाँ पे हम बी माइनस ए ही इसको रहने दे रहे हैं, और इसको हम जो है यहाँ पे सी कामन ले लेते हैं, सी कामन लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा ए माइनस बी मिलेगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे जीरो और इसको हम सी माइनस ए लिखते हैं, और यहाँ पे कामन ले ले रहे हैं, क्या कामन बी है तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। चलिए फिर वही काम, यहाँ पे आएगा वन ए बी सी आएगा, यहाँ पे देखिए बी माइनस ए कामन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बी माइनस ए जो है कामन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और दूर लिखा जाए तो बी माइनस जो है ये हम सेकेंड रो से कामन ले रहे हैं, एक काम और कर लेते हैं साथ साथ सी माइनस आर सी से भी हम कामन ले ले रहे हैं, हालांकि दो स्टेप में लिखने की बजाय साथ ही साथ ले ले रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आर टू में से बी माइनस ए कामन ले रहे हैं, आर सी में से सी माइनस ए, ध्यान रखिएगा हमने बताया ना कामन किसी रो या किसी कॉलम से आएगा, तो सेकेंड रो से बी माइनस ए कॉलम ले रहे हैं, कामन ले रहे हैं, और थर्ड रो से सी माइनस ए कामन ले रहे हैं, यानी सी माइनस, इस स्टेप पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आर वन आपका वही रहेगा वन ए बी सी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जब बी माइनस ए कॉमन लेंगे तो दिस इज योर जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा वन, ठीक है भाई, और यहाँ पे बी माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस सी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी है ना, हमने बी माइनस सी ए कॉमन लिया है। चलिए यहाँ पे आएगा जीरो, थर्ड रो से क्या हमने कॉमन लिया है सी माइनस ए कॉमन लिया है, यहाँ पे आएगा वन और यहाँ पे आएगा सी माइनस ए लिया, तो इसलिए माइनस बी आएगा, क्या आएगा माइनस बी आएगा, ये आपका आएगा, ठीक है, इसको नोट कर ले। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इस R1 के लांग एक्सपेंड करेंगे, R1 क्या बल्कि C1 के ही, इस डिटरमिनेंट को C1 के लांग हम एक्सपेंड करेंगे, C1 के लांग एक्सपेंड करेंगे, यानी 1 आएगा यहाँ पे, यानी हम ये लिखेंगे B माइनस A और यहाँ पे C माइनस A और यहाँ पे लेंगे क्या 1, इसके लांग जब लेंगे तो जिस रो में ये एलिमेंट है और जिस कॉलम में उसको हम हट जाएगा, यानी क्या मिलेगा 1 माइनस C 1 माइनस B, ठीक है, इसका काम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस, यहाँ से आपको क्या मिलेगा दिख रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आई होप दिख रहा है आपको, b माइनस ए और यहाँ पे आएगा c माइनस ए, इसका करेंगे क्या आएगा माइनस b और यहाँ पे क्या आएगा माइनस यानी प्लस c, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, इसको थोड़ा सिक्वेंस में लिख देते हैं, यानी b माइनस ए c माइनस ए और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस बी, चेक कर लो जरा, b माइनस ए फिर आपका आएगा जो है b माइनस ए आ गया और फिर इधर c माइनस ए आ गया फिर c माइनस बी आ गया, ठीक है, c माइनस बी, ठीक है। अब ये जो है आपका दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं था तो अब टिक करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आपके लिए, खुद से करिएगा उसके बाद करके देखिए आता है कि नहीं, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करिएगा, उसका हम जो है सोल्यूशन आपको या उसका आंसर जवाब हम दें, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स आपका है जो है फर्स्ट रो में लिखिए बी प्लस सी ए ए, फर्स्ट रो में है बी प्लस सी ए ए और सेकेंड रो में है आपका, सेकेंड रो में लिखिए बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी, ठीक है, और थर्ड रो में है लिखिए, थर्ड रो में लिखिए सी सी ए प्लस बी, सी सी ए प्लस बी, ये है
इसकी जो है वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, आज के लिए जो है इतना ही, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कल जो है हम लोग जो है इसके आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे, या फिर हम लोग जो है माइनर और को फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम ढेर सारे प्रॉब्लम और करेंगे, पहले जो है थ्योरी को देखिए, हमारा उद्देश्य यही होता है थ्योरी फिर प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा बेटर। अब जैसे हमने आज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स बताया, अब उस पर बेस्ड आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो जो है कुछ मैंने क्वेश्चन बताया, अब आप खुद से ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा उसको आप लोग जो है पूछिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, और अभी हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ढेर सारे आपको अभी खुद से हम करा देंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।